चाय वाले को चाय नहीं लाने पर अजीबोगरीब नोटिस जारी किया गया। भैंस की दूध की चाय नहीं लाने पर फरमान जारी किया गया। मनोहर थाना पंचायत समिति का ये मामला है। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जय लंकेश ने ये नोटिस जारी किया। सोशल मीडिया पर अब ये नोटिस वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकारियों ने पल्ले झाड़े हैं। नोटिस वायरल होने पर अब मजाक भी बन रहा है। तो धारावार से यह अहम खबर, चाय वाले को चाय नहीं लाने पर अजीबोगरीब नोटिस जारी किया गया। सुमता आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं झालावाड़ से। आरिफ, क्या था ये नोटिस? क्योंकि अब इस नोटिस को लेकर जिस तरह से वायरल सोशल मीडिया पर ये नोटिस हो रहा है, मजाक भी बन रहा है। देखिए, झालावाड़ जिले में एक अनोखा फरमान जारी हुआ है, जो एक पंचायत मनोहर थाना पंचायत समिति का मामला है। एक कर्मचारी ने जो चाय वाले को चाय के लिए कहा कि चाय मेरे ऑफिस में चाय लेकर आए, जब उस चाय वाले ने कहा कि साहब मेरा दूध खत्म हो गया है, उसके बाद में चाय लेकर उसने कहा कि साहब भैंस का दूध निकाल कर रखा। उसके बाद ये बात उसको नागवार गुजरी और पंचायत समिति जो कर्मचारी है उसने एक फरमान जारी कर दिया, नोटिस जारी कर उसको एक तरह से धमकाया कि आप तुरंत प्रभाव से अपने संबोरिया बिस्तर समेट ले यहाँ से, जिसकी दुकान थी। तो और साथ ही कहा नोटिस में भाई ये बताया कि आप जो जब भी चाय लेकर आए भैंस का दूध लाके एडवांस में रखे, किसी प्रकार की हमें दिक्कत ना हो। जब से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है काफी कर्मचारियों और प्रशासन की काफी फजीहत हुई। इसके बाद सब तमाम अधिकारी ने कुछ मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया। हालांकि चाय वाले से हमारी बात हुई है, चाय वाले ने कहा इसके बाद मैं कभी घबरा गया करूँ, क्या गरीब आदमी था मैं। जब नोटिस जारी होने के बाद लगातार दबाव बना तो कर्मचारी ने भी अपनी गलती तो मान ली है, लेकिन मीडिया के सामने आने से कुछ भी कतरा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आरिफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सोशल मीडिया पर यह लेटर वायरल हो रहा है, हालांकि अब अधिकारी जरूर पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई भी इस मुद्दे पर बात करने के लिए सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मजाक जरूर इस नोटिस की वजह से बना इन अधिकारियों का।